आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 185 रन पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल और महिपाल लोमरोड ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अर्शदीप सिंह ने पंजाब के लिए 32 रन देकर 5 विकेट झटके। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल और इवन लुइस ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की तेज तर्रार शुरुआत की। लुइस 21 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से यशस्वी जायसवाल और लियाम लिविंगस्टोन ने तेज बैटिंग की। लिविंगस्टोन ने 17 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। वहीं जायसवाल दुर्भाग्यशाली रहे, वह 36 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच महिपाल लोमरोड ने मोर्चा संभाला और दीपक हुड्डा के एक ओवर में 24 रन बनाए। यह पारी का 16वां ओवर था और स्कोर 160 के पार पहुंच गया। इस बीच मोहम्मद शमी ने रियान पराग को 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इस बीच अर्शदीप की गेंद पर लोमरोड भी आउट हो गए। 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में मोहम्मद शमी और अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रन नहीं दिए। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 185 रन बनाकर आउट हो गई। अर्शदीप ने 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि शमी ने 3 विकेट चटकाए। ऐसी जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।